आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खूबसूरत इंडियन एक्ट्रेस रिया शर्मा की असल जिंदगी के बारे में और आपको बताएंगे कि रिया शर्मा आखिर कौन है, क्या करती हैं और किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। अपने ग्लैमर को बरकरार रखे हुए रिया शर्मा करेंटली दो ड्रामा सीरियल्स में काम कर रही हैं, जिसमें पिंजरा की खूबसूरती और ड्रामा सीरियल ध्रुव तारा शामिल है। इनकी शानदार परफॉर्मेंस के बायस इनके फैन फॉलोइंग में करोड़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो रिया शर्मा का लाइफस्टाइल, फैमिली, एज और बायोग्राफी जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप भी रिया शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। रिया शर्मा प्रोफेशन के लिहाज से टीवी एक्ट्रेस और मॉडल है। इनका निक नेम रिया है और ये 9 अक्टूबर 1998 को नागपुर, महाराष्ट्र, इंडिया में पैदा हुई और 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 24 हो गई है। अगर इनके फिजिकल स्टेटस की बात की जाए तो इनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है और बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव आईज रखने वाली रिया शर्मा नेशनैलिटी इंडियन और इनका रिलीजन हिंदू है। इनकी हॉबीज में बुक्स पढ़ना और मूवीज देखना शामिल है। अब बात कर लेते हैं रिया शर्मा के शोबिज करियर के बारे में। तो इन्होंने अपने शोबिज करियर का आगाज एज अ मॉडल किया था और उसके बाद 2017 में इन्होंने फियर फाइल में ईशानी का बेहतरीन रोल प्ले किया था और इसके बाद 2018 में वो ड्रामा सीरियल सात फेरों की हीरा फेरी में भी नजर आई और इसमें इन्होंने चिंके का बेहतरीन किरदार प्ले किया, जिसमें इनके किरदार को बेहद पसंद किया गया और इनके फैंस की तादाद लाखों में बढ़ गई। और इस वक्त ये अपनी शानदार अदाकारी और खूबसूरती के बायस आसमान में सितारों की मानिंद चमक रही हैं। इसके बाद ये 2020 में स्टार प्लस के शो महाराजा की जय हो में भी नजर आई और 2020 में ही वो कलर्स टीवी के शो पिंजरा की खूबसूरती में भी रोल अदा करते हुए दिखाई दी, जिसमें ये मयूरा का किरदार प्ले कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रिया शर्मा हर ड्रामे में ही एक अलग किरदार में नजर आती हैं और उस किरदार को इतना बाखूबी से प्ले करती हैं और अपने शानदार अदाकारी के बायस शोहरत की बुलंदियों को छू रही हैं। और अब साल 2023 में वो एक नए ड्रामा सीरियल ध्रुव तारा समय सदी से परे टीवी शो में राजकुमारी तारा प्रिया के रोल में नजर आ रही हैं, जिसमें इनको बेहद पसंद किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं रिया शर्मा की एजुकेशन के बारे में, लेकिन वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। रिया शर्मा ने अपनी स्कूलिंग नागपुर, महाराष्ट्र के स्कूल से कंप्लीट की है, जबकि इनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। एक्टिंग करियर के साथ साथ रिया शर्मा एक बेहतरीन डांसर भी है। अब बात कर लेते हैं रिया शर्मा की फैमिली के बारे में। तो इनकी वालिदा का नाम परितमा शर्मा है और ये अपने वालिदैन की इकलौती बेटी है। अगर इनके मैरिटल स्टेटस की बात की जाए तो रिया शर्मा की अभी तक शादी नहीं हुई और ये अनमैरिड हैं। इनके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते चलें तो वो एक्टर फोटोग्राफर समीत शरणागत को डेट कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं रिया शर्मा की सैलरी के बारे में। तो रिया शर्मा इंडियन ड्रामा सीरियल की एक किस्त को करने का 50,000 रूपए चार्ज कर लेती हैं और इनके टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो 2023 में इनका नेटवर्थ लगभग 7 करोड़ के करीब है। वो अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ साथ बड़े बड़े ब्रांड्स को इंडोर्स करते हुए और कमर्शियल्स में भी नजर आती हैं। अब बात कर लेते हैं रिया शर्मा की कार्स कलेक्शन की। तो इनकी कार कलेक्शन में शामिल है मर्सिडीज, बेंज एस क्लास, रेंज रोवर शामिल हैं। अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज करने वाली रिया शर्मा की फेवरेटीज की बात की जाए तो वो बॉलीवुड में नवाजुद्दीन सदीकी को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और इनकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में कतरीना कैफ और आलिया भट्ट शामिल हैं और ये अपने हॉलीडेज डेस्टिनेशन में मुंबई जाना पसंद करती हैं। आप लोगों को रिया शर्मा की असल जिंदगी के बारे में जानकर कैसा लगा और इनकी शानदार अदाकारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल डिजिटल सेलिब्रिटीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।